सभी को मेरे तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। मेरा दोस्त यहाँ पर आने वाला है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और आज मैं आपको हाजू मंदिर दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा और वहाँ पर आज के दिन में क्या हो रहा है वो सब एक्टिविटीज दिखाऊंगा। तो हम लोग का ये प्लान था कि हम लोग 9 बजे निकलेंगे सुबह, बट लेट हो चुके हैं। तो अभी जो समय और आपका 9:30, और ऐसे ही मेरा दोस्त आ जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे पेट्रोल पंप। एंड शायद रास्ते में मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। सुनने में ये भी आया कि वहाँ पर मेला लगा है, बट जो भी हो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा। एंड वीडियो में बने रहे। तो दोस्त लोग भी आ गए हैं, अब ज़्यादा ना समय गंवाते हुए सीधे चलते हैं पेट्रोल पंप। उसके बाद हो सके तो आपको रास्ता का कुछ नज़ारा दिखाते जाऊंगा, अदरवाइज सारे आपको मिलेंगे हाजू मंदिर में। हाजू शिव मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है फिलहाल। अभी ये मंदिर शायद अंदर की तरफ है, तो काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं। एंड लेट्स सी अंदर क्या है, कैसा नज़ारा है, वो सब दिखाएंगे। फिलहाल हमें अभी बहुत सारे दोस्त भी मिल चुके हैं रास्ते में, अंदर जाकर और भी मिलेंगे, तो अब चलते हैं अंदर। तो आप सभी को ये बता दूं कि मैं इस मंदिर में पहली बार जा रहा हूँ। एंड मैं ये सोचा था कि ये जो मंदिर होगी ये आपका रोड के अगल बगल होगी, मतलब थोड़े से दूर होगी, बट अभी मैं रोड से करीब 500 मीटर चल चुका हूँ और अभी तक रास्ता मतलब कहीं ऐसा अच्छा नहीं दिखा। एंड साथ ही अभी तक मुझे मंदिर भी नहीं दिखा। बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ में अभी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। एंड आई डोंट नो कि अंदर जाने के बाद और ट्रैफिक मतलब किस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा, वो मैं भी थोड़ा सरप्राइज में हूँ। बट देखते हैं कि क्या होता है अंदर का नज़ारा। तो वीडियो में बने रहे क्योंकि आज कुछ अलग ही आपको देखने को मिलने वाला है। पहुँच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन और यहाँ का नज़ारा देख कर यार पूरा क्रेजी भाई, बहुत ज़्यादा पब्लिक आए हैं। कुछ नज़ारा आप ऐसे देख लीजिए भाई, यहाँ पर बाइकों का पूरा भंडार लगा हुआ है। उस तरह में आते वक्त भी बहुत जगह बाइक गाड़ी वगैरह देखने को मिला है। और अभी फ़िलहाल हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे कि अंदर का क्या नज़ारा है। तो सबसे पहले जैकेट वगैरह निकाल लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और उसके बाद अपना ट्राईपॉड वगैरह लेकर रेडी हो जाता हूँ और अंदर आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि साथ ही क्या चल रहा है अंदर का नज़ारा। तुम लोग पहले आया हुआ है ना, पहले कैसा था अभी कैसा है? मस्त है, अभी तो पहले से ज्यादा बेटर है। ऐसे जंगल से हम लोग कल बाइक पर जंगल में घुसा था, लग रहा है। अच्छा ढुलाड हुआ है ना, वो जंगल में घुसा हुआ था ना बाइक के भाई। और ड्रेस चेंज कर लिया, काफी अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। और अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर का नजारा किस प्रकार का है। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे पुलिस भी लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए। सो इससे काफी अच्छा हो रहा है एंड ज्यादा दिक्कत यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल रहा है। बहुत विशिंग यू ऑल महाशिवरात्रि। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है और यहाँ पर एक छोटा सा साधारण सा गेट है। तो जैसे इसके अंदर आओगे आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मेला देखने को मिलेगा। और लोगों का बात करें तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है देखकर। जो मंदिर है वो आपका उस तरफ है, सो मुझे भी नहीं पता, उधर भी जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ का कैसा नज़ारा है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको मिठाई से रिलेटेड सामान ही देखने को मिलेगा, जो कि प्रसाद हो गया, ये सभी ज़्यादा सामान देखने को मिलेगा। और साथ ही कुछ फूल वगैरह भी है। अब ज़्यादा वेट ना करते हुए चलते हैं मंदिर की तरफ और दिखाते हैं कि उधर का नज़ारा कैसा है। यहाँ मेरे साथ मेरे दोस्त आया था, वो दोनों कहाँ चला गया पता ही नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ में क्राउड है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किधर गया। तो जो भी हो देखे जाएंगे, उनसे बाद में मिल लेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। सो मंदिर के लिए ये गेट है और यहाँ पर काफ़ी लोग लाइन भी लगे हुए हैं। लाइन भाई काफ़ी लंबा है, उधर से आपका लाइन लगा हुआ है और काफ़ी आगे तक है। बट मैं ट्राई करूंगा कि अंदर जाकर आपको दिखाने का कि क्या हो रहा है उधर सीन। एंड सच कहूँ ये नज़ारा बहुत ही क्रेजी है, मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा था। मैं ट्राई करूंगा कि अंदर जाने के लिए, बट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है, अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो फिर लोगों को भी ख़राब लगेगा। बट मैं तो कोई दर्शन के लिए नहीं जा रहा, बस आपको दिखाऊंगा कि अंदर में क्या हो रहा है। तो सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट अंदर जाऊँ और आपको अंदर दिखाऊँ कि घर में किस प्रकार का नज़ारा है। जो लाइन है ना, इस लाइन को देखकर तो मुझे भी डर लग गया, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सुबह में आए होंगे और अभी तक लाइन में लगे हैं, क्या नज़ारा होगा आप सोच लीजिए। कैसे बाबा जी? बढ़िया
बढ़िया बढ़िया बढ़िया शंकर भगवान भगत जी एक बस आप दिखा दीजिए। अच्छा ये देखिए भाई क्या भयंकर यहाँ पर एक स्नेक तो बहुत सारे दोस्त वगैरह आए हैं और मुझे एक मेरी सबसे पुरानी दोस्त मिले क्लास 9 में जब मैं था तो उस वक्त तू मेरी दोस्त थी। तू बहुत पहले आई ना 7 बजे आई और हम लोग 9:30 को यहाँ मतलब अपने घर से निकले थे। फिलहाल ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये जगह आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं हम शुरू करते हैं। वहाँ से लाइन लगी हुई है और धीरे धीरे करके इस मंदिर में आते हैं और इस मंदिर में आने के लिए भी आपको देखिए सब आदमी को डायरेक्ट अंदर नहीं जाने को देता है। यहाँ मैं टर्न वाइज से उसके हिसाब से लोग अंदर जाएंगे और अपना दर्शन करेंगे। भैया आप लोग कब से लाइन लगे हुए हैं? करीब से 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया आप भी तो यहाँ पहुँचे। चलिए ठीक है भैया लग रही है और 1 घंटे से लाइन में लगे हुए और अभी उनका समय आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर कुछ जो दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो वहाँ पर दूध चढ़ा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं सब कोई तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रश भी है तो लोग भी यहाँ पर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको गार्ड भी देखने को मिलेगा जो कि हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसके अंदर पूजा कर रहे हैं दर्शन कर रहे हैं बट जो दूर से आए हैं और उनको लेट हो रहा था वो अपना जो पूजा दर्शन वो यहीं पर करके जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर मांगना चाहते हैं दिल से मांगना चाहते हैं पानी का बारे में भार का वजह से मन से मांगने के लिए यहाँ पे मतलब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं मेरे भी से पूरा हो जाए। ये देखिए कैंडल कितने ज़्यादा लोग ने लगाया पूरा कैंडल कैंडल इस तरफ हो चुका है। इस तरह में आप जहाँ भी देखो तो सब तरफ कोई ना कोई पूजा कर रहा है क्योंकि सब आए इतने दूर दूर से तो जहाँ उनको मौका मिल रहा है जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं। और मैंने आपको कुछ कुछ दिखाया अभी और आगे इस तरफ देखते हैं नीचे में क्या क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। चल चल एकदम बढ़िया बाबू जी इस तरह में सब आपको बाबा ही देखने मिलेंगे जो कि आपको हाथ में रस्सी बांध रहे हैं और उसके बाद चेहरे में ओम का निशानी वगैरह दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ओम का निशानी का ओम का निशानी है ना बाबा हाँ तो ये वही सब निशानी यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा राधे का है अच्छा ठीक इस पेड़ के नीचे भी पूजा किया किसी ने फिर यहाँ पर भी पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हैं बहुत सारे लोग और आगे में तो आपको दिखाया उस तरफ कितने ज़्यादा लोग पूजा कर रहे हैं। ये क्या अंकल जी एठू क्यों है एठू 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 कागज एठू गंजा गंजा है भांग भांग बुली को है गंजा बुली को है। अच्छा भांग है ना वो बाबा का देखिए हेयर कितना बड़ा है पूरा जाट बोलता है उसको वो लगा हुआ इसमें। कहाँ से आए हो बाबा आप? वृंदावन से आए हैं। वृंदावन हाँ वृंदावन अच्छा बाबा है। वो घंटा मैंने पूरा मंदिर घूमा और अब थोड़ा सा भूख लगा। फिलहाल मेरे दोस्त लोग कहाँ अभी तक नहीं मिला उनको फ़ोन कर रहा पर नेटवर्क नहीं है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि पैसे वगैरह सारे उनके पास ही है एंड ट्राई कर रहा हूँ तब से कि कॉल लग जाए। फिलहाल आपको कैसा लगा ये जगह आप ज़रूर बताइएगा एंड सच कहूँ तो यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक चीज़ मैं बता दूँ लाइफ में मैंने आज तक कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा
इनफैक्ट हमारे वहाँ पर दुर्गा पूजा भी होता है, बट वो दुर्गा पूजा में भी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है जितना यहाँ पर आज मुझे देखने को मिला। और आप लोगों का वहाँ पर कैसा होता है तो आप लोगों को पता होगा, बट हमारा यहाँ पर इसी प्रकार का होता है जो कि मैंने आपको दिखाया। तुमने तो किसके साथ है? भाभी के साथ है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग खाते रहो, हम जा रहे हैं। A few moments later. कुछ खाने के लिए देखते हैं, और वैसे क्या खाने को मिलेगा पता नहीं, बट मेरे साथ जो दोस्त आया वो बोला है कि फास्ट फूड खाएंगे कुछ, तो चलिए देखते हैं, वही ट्राई करेगा। इतना ज़्यादा भूख नहीं लगा, बट जो भी हो हल्का आइटम खाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। वाह वाह कितना अच्छा से चाट रखा है भैया जी, बहुत अच्छा से आप बना रहे हो। पूरा पेट ना एक इंच बाहर निकल गया भाई, 50 रुपीज़ में इतना ज़्यादा मिला ना। देखने के लिए वो थोड़ा सा कम था, बट खाने के बाद ना बहुत बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वेस्ट हो गया, फेंक दिया। अब बहुत ही राहत है, अब थोड़ा देर आराम करेंगे कहीं छाया देखकर, उसके बाद शाम को यहाँ से चल जाएंगे अपने घर। यहाँ पर आपका मेडिकल का भी सुविधा दिया गया है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इलाज हो सकता है यहाँ पर नॉर्मली, ज़्यादा कुछ नहीं। एंड यहाँ पर लगता है खाने पीने का कुछ सुविधा है, चलिए देखते हैं सामने। पूरी और सब्जी मिल रहा है खाने के लिए, बहुत ज़्यादा घूमा हमने। सुबह 10 बजे का आए हुए और तब से घूम ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, और पता नहीं वीडियो भी कैसा बना क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ किधर दिखाऊँ, बट जो भी हो मैंने बनाया। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे जल्द एक और नए व्लॉग के साथ। सो बाय एंड टेक केयर।